बार आप सरकार किसका चाहते हैं, जेएमएम के चाहते हैं क्या बीजेपी के चाहते हैं? नहीं, जेएमएम तो इस बार जाएगा, बीजेपी आएगा, डबल इंजन कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग का जनता का आवाज है कि अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का डुमरी विधानसभा में हम लोग देखना चाहते हैं। नहीं किया यहाँ इसमें पब्लिक का वे मैंने आखिरी जिस समय चुनाव हुआ उसमें मैया योजना एक लागू किया है, जो 21 बरस से लेकर 50 बरस या 60 बरस के ही है। तो आज बिजली बिल माफ किया है, तो ये अगर उस जिस समय आया था यहाँ सरकार में उसी समय ये सब करता तो और पब्लिक खुश रहता है। तो मैंने लल्ली पॉप पी दिया है, जनता को फिर 5 साल बरगड़ाएगा और कुछ करेगा नहीं। शेर का बच्चा शेर ही होता है, आम अगर हम लगाए हैं तो आम ही फरेगा। जिसका बाप विकास पुरुष थे उनका बेटा ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। हम लोग इस बार फिर पुनः राजू महतो, जो झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है, जयराम महतो चाहे किसी भी क्षेत्र से खड़ा हो जाए वो प्रभाव जीत के लिए डाल सकता है, चाहे उसके विपक्ष में जो भी पार्टी खड़ा रहे, लेकिन उनका प्रभाव रहेगा। जीत या हार एक अलग मुद्दा है। जोहार साथियों, जोहार झारखंड। इस वक्त हम डुमरी विधानसभा क्षेत्र नावाडी प्रखंड सूरी चौक में हैं और आज हम जनता से राय पूछना चाहेंगे कि इस बार जनता किसको विधायक चुनेंगे। का घोषणा अभी चौकीदार वाला जो एग्जाम लिया, अभी आपका ये क्या कहते हैं गोड्डा में सब उपी का पहली बात, उन लोग आके देखेगा गांव का चौकीदारी करेगा उन लोग, और वहां का छात्र नहीं था जो वहां से लाकर के बहाली कर रहा है। यही लोग जब फोर्थ ग्रेड के नौकरी में आप सहभागिता नहीं बना सके यहाँ के पब्लिक को, तो कब बनाइएगा? रोजगार देने की बात था कहाँ दिए, रोजगार भत्ता देने का बात था कहाँ दिए, बेरोजगारी भत्ता कहाँ दिए? अब चुनाव आया तो मैया सम्मान निकाल रहे हैं, तो बिजली बिल माफ कर रहे हैं, तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, वो मैंने एक लॉलीपॉप दे रहे हैं पब्लिक को। इसलिए यहाँ हर हालत में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की सरकार परिवर्तन आप लोग चाहते हैं? परिवर्तन। चलिए हम और जानने का प्रयास करेंगे। एक चाचा है, चाचा से भी थोड़ा हाल समाचार पूछेंगे। क्या चाचा, कैसे हैं? सब ठीक है, हम लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार? हम लोग तो सब जेमे में, सब तो अच्छा, तो कोई दिक्कतदारी नहीं है। राजू बाबू के पिता जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, कैसा काम किए हैं? ठीक है, यहाँ तो चार बार विधायक रहे, बहुत अच्छा काम किए। ठीक किया, बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कतदारी नहीं है। इस बार उसका पुत्र डुमरी विधानसभा से खड़ा होने जा रहे हैं। हाँ हाँ, कोई ठीक है, बहुत अच्छा। सबसे पहले आपको जोहार। जोहार सर। क्या नाम हुआ आपका? मैं आपका, मेरा नाम मोहम्मद मारूफ हुसैन हुआ। क्या लग रहा है, डुमरी विधानसभा इस बार हॉट सीट माना जा रहा है, ऑल ओवर झारखंड में चर्चा है जयराम महतो का आने से, जी क्या लग रहा है इस बार? देखिए सर, बात ऐसा, चार बार यहां से जगन्नाथ महतो विधायक बन चुके हैं, उसका पुत्र अभी चुनाव में चर्चा चल रहा है कि उसका पुत्र जो राजू बाबू है उसका टिकट मिलने जा रहा है जेएमएम से, जी, जी, और जेएलकेएम से जो टाइगर जयराम महतो जो आए हैं, जी, तो क्या चर्चा लग रहा है? देखिए सर, सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरे में बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जेएमएम जो जगन्नाथ महतो चार बार जो जीते हैं और उनका जो विकास रहा, उनका जो कार्यकाल रहा, वो पूरे 81 विधानसभा में देखने की नहीं, सोचने की जरूरत है। उनका जो कार्यकाल रहा और उन्होंने जो काम किए हैं, आज इस बार जो उनका पुत्र जो आएंगे या तो कोई और विधायक आ जाए, लेकिन उनका लिखा हुआ काम और उनका जो रेखा खींचा हुआ है वो काम खत्म नहीं कर पाएंगे, जितना वो देख के चले गए। और हम लोग चाहेंगे कि इस बार भी, शेर का बच्चा शेर ही होता है, आम अगर हम लगाए हैं तो आम ही फरेगा। जिसका बाप विकास पुरुष थे उनका बेटा ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। हम लोग इस बार फिर पुनः राजू महतो को विधायक बना के भेजेंगे। टाइगर जयराम महतो कैसा नेता है? 90,500 वोट लाया है डुमरी विधानसभा क्षेत्र में। देखिए सर, लोकसभा का और विधानसभा का हम लोग खास करके डुमरी में ये समीकरण बदलता है। वो था लोकसभा का इलेक्शन, वो ले आया, ये है विधानसभा का इलेक्शन। हमारा स्थानीय भी हम लोग का ये है, और जब जरूरत पड़ता है उपलब्ध हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ता है मिल जाते हैं। इसलिए हम लोग वोट विकास पुरुष को देंगे और विकास पुरुष में राजू महतो है। तो आपका कहना है कि हम पहले का जो विधायक था उसका पुत्र जो राजू बाबू है उसी को वोट करेंगे? उसी को वोट, जेएमएम को। जेएमएम को। चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे और डिबेट कर रहे हैं। चलिए एक दादा है, उससे भी पूछने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। तो क्या लग रहा है, डुमरी हॉट सीट माना जा रहा है ऑल ओवर झारखंड में, तो इस बार मैंने किसका पार आप विधायक बनाना चाहते हैं? विधायक का बात जहां तक है, इस बार जयराम महतो का अपना प्रभाव इस क्षेत्र में रहेगा, तो उसको 90,000 वोट मिला इस क्षेत्र से और उनको विश्वास है कि 90,000 वोट यहाँ के जनता ही ने वोट उनको किया है और उनको लगता है कि ये मेरा अपना वोट बैंक है और इसलिए उसको भी लगता है यहाँ के जनता का प्रभाव भी है कि मतलब जो झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है जयराम महतो चाहे किसी भी क्षेत्र से खड़ा हो जाए वो प्रभाव जीत के लिए डाल सकता है, चाहे उसके विपक्ष में जो भी पार्टी खड़ा रहे लेकिन उनका प्रभाव रहेगा, जीत या हार एक अलग मुद्दा है। हेमंत सरकार 5 साल जो कार्यकाल, अभी कुछ ही दिन में आचार संहिता लगने वाला है, तो हेमंत सरकार का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल? हेमंत सरकार का कार्यकाल मतलब चुनाव के अंतिम समय में मैया समान लाया, अबुआवास लाया, बिजली बिल माफ कर दिया, सब काम चुनाव के अंतिम समय किए हैं। जब 2 महीना 3 महीना 4 महीना बचा समय, उस समय बीच में जेल में गए, बीच में कोरोना था, चाहे जो भी कारण हो, और अंत समय में जितना भी चाहे चाहे जो विभाग में हो अपना मतलब विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन प्रभाव कहाँ तक पड़ेगा ये तो समय बताएगा। तो आपका कहना है हम जयराम के साथ जाएंगे? जयराम महतो एक बहुत पुराने मुद्दा को, जो झारखंड में विलुप्त हो चुका था वो मुद्दा, एक नया चेहरा एक नया मुद्दा को लेकर उभरा हुआ है और उस मुद्दा को मतलब अगर झारखंड में जयराम महतो का इस मुद्दा अगर विहीन हो जाता है तो आने वाला समय में फिर कोई मतलब झारखंड के बारे में कोई नहीं सोच सकता है, ये मेरा अपना सोच है। चलिए और हम किसी से जानने का प्रयास करेंगे। चचा है एक, सबसे पहले झारखंडी जोहार आपको। जोहार आपका भी चैनल का बधाई। क्या लग रहा है इस बार डुमरी विधानसभा हॉट सीट माना जा रहा है, यहाँ पर विधायक के रूप में किसको आप लाना चाहते हैं? फिर देखिए जयराम महतो जी अभी जो आए हैं उसका हम स्वागत करते हैं, उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, लेकिन वो ये उम्मीद छोड़ दे जो वोट हम संसद में लाए थे, जो वोट हम संसद में लाए थे 90,000, वो अभी मुश्किल है, वो है क्षेत्रीय का। इसमें सब तो महात्मा जी आ रहे हैं, वो वोट हर उम्मीद है कि अभी वोट बहुत कम लाएंगे। तो किसको विधायक के रूप में जाना है? अभी जयराम महतो जी का बात आता है 1932 से लागू है, लागू नहीं हुआ है, लागू है, हम लागू नहीं तो हमको खतियान में हमको काहे मांगता है, जाति क्यों मांगता है, आवासीय क्यों मांगता है, जिसको है वही है। लेकिन जिस तरह से खुल के बिहार सरकार बोले नीतीश जी कि हम बिहारी को बिहारी नौकरी देंगे, उस तरह से हमारे हेमंत जी खुल के बोलना चाहिए कि हम झारखंडी को झारखंडी नौकरी देंगे, ऐसा नहीं किए। वो जितना प्रलोभन दे रहे हैं ठीक है, मेरे ही संपत्ति दे रहे हैं, वो कहो अपना गेहूं बेच के नहीं दे रहे हैं हमारे मंत्री जी। खटाखट हेमंत सरकार बोल रहा है महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, माताओं को सम्मान 12,000 रुपया हर साल हम देंगे। अभी अगला ने बोला भाई वक्त की मैंने लोभन दे रहा है, मैंने इलेक्शन के अभी दे रहे 1-2 महीने पहले, इसको पहले देना चाहिए, सब उसके विश्वास है। अभी जिस तरह से देश में काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से उसका लहर चल रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी उसका संगठन उसका गठबंधन डुमरी क्षेत्र से अभी जीतेंगे। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा उनमें अभी दिक्कत है उन पर। आप अभी जहां तक आते हैं जगन्नाथ जी का बात, वो तो बेचारा बहुत अच्छा आदमी थे, उस विकास भी किए हैं, उसका लायक कोई विकास नहीं कर पाएगा, लेकिन अब वो नहीं है, भगवान उसको आशीर्वाद दे ऊपर में रहे। लेकिन अभी हम लोग का जनता का आवाज है कि अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का डुमरी विधानसभा में हम देखना चाहते हैं, कम लोग फूल अभी खिलेगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन एकदम बेखलब होगा, काय होगा, उसमें बहुत तरह के जनता की सोच है कि जो आगे है वो यहाँ भी देंगे।
डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन जो सरकार अभी है वो देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी और बनेगा, एकदम डिफीट है। आगे साल ही हम लोग बन जाते हैं, लेकिन हम लोग गठबंधन करके हम लोग मैंने नहीं करके हम लोग बीच में तो हम लोग टूट गए। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा लहरेगा, उसका कमल फूल खिलेगा, केला छाप आएगा, हम वोट अभी उन्हीं को देंगे, पूरी जनता। चलिए और हम किसी से राय पूछने का प्रयास करेंगे। एक चाचा और है, सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। आपका नाम क्या हुआ? हीरालाल साहब। तो क्या लग रहा है इस बार विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप? बीजेपी को देखेंगे हम लोग। और हेमंत सरकार से आप 5 साल उसका कार्यकाल पूरा होने गया है, कुछ ही दिन में आचार संहिता लग जाएगा और जो वोट का तिथि तय हो जाएगा, 5 साल कार्यकाल रहा, कैसा रहा? देखिए बीच में ठीकरा लगे, इधर कोई ठीके नहीं उनका, समझे ना, कभी कुछ करते है कभी कुछ करते है। सरकार के मतलब है थोड़ा सा अपना क्षेत्र को पकड़ कर रखना चाहिए, तो जो अपने क्षेत्र को पकड़ते नहीं है, ये तो मैंने गठबंधन में है सरकार। इस बार क्या परिवर्तन होगा? हाँ, इस बार परिवर्तन हम लोग करेंगे, परिवर्तन में तो हम लोग लगे हुए हैं। झारखंड सरकार बिजली बिल भी माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली भी दे रहा है। देने से क्या होगा, या बाल बच्चा को भी देखना होगा हम लोग को, ने आज दे दिए कल नहीं दिए तब क्या कैसे होगा? उस तरह थोड़ी होता है कि बिजली माफ कर दीजिएगा तो हो जाएगा, 15 साल में 10 साल में क्या होगा? यहाँ हम लोग को बाल बच्चा को भी भविष्य को देखना होगा, पैसे को बड़ा चाहिए, बहुत पैसा आदमी कमाता है, बहुत कमाता है, ऐसा बात थोड़ी है। तो इस बार आप बीजेपी के? एकदम बीजेपी के हम लोग सपोर्टर है। चलिए हम और जानने का प्रयास करेंगे, इधर हम जानने का प्रयास करेंगे, कुछ चचा है एक, अपना भी राय देगा। क्या चचा, क्या लग रहा है इस बार डुमरी विधानसभा हॉट सीट माना जा रहा है, जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहा है, यहाँ घोषणा कर दिया है, और अभी जगन्नाथ महतो का पुत्र राजू बाबू भी चुनाव मैदान में आने वाला है, और बीजेपी से भी एक कैंडिडेट रहेगा, अब क्या लग रहा है आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? अभी तो हम अपना मत के बारे हम बता सकते हैं, अब बाकी माहौल तो राजनेता लोग बता सकता है ये किसको देगा से, लेकिन अच्छा कैंडिडेट को यहाँ टिकट मिलना चाहिए जो हमारे झारखंड का विकास करे। यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का सब बेरोजगार है, आज तक सोरेन सरकार मैंने एक भी बहाली नहीं किया, लड़का यहाँ बेकार घूम रहा है, इसलिए अच्छा मैंने यहाँ कैंडिडेट होना चाहिए जो व्यक्ति हमारे फील्ड में काम करे, यहाँ के जनता को देखे, वैसा मैंने कैंडिडेट हम लोग को चाहिए। कुछ ही दिन में घोषणा हो जाएगा, आचार संहिता लगने के बाद तिथि डेट झारखंड में चुनाव का आ जाएगा, 5 साल कार्यकाल हेमंत सोरेन जी का कैसा लगा आप लोग? कैसे कहा ठीक है, लेकिन वो मैंने बोले कि वो मैंने कुछ काम नहीं किया यहाँ फील्ड में, पब्लिक का वेगो मैंने आखिरी जिस समय चुनाव हुआ उसमें मैया योजना एक लागू किया है, जो 21 बरस से लेकर 50 बरस या 60 बरस के ही है, तो और बिजली बिल माफ किया है, तो ये अगर वो जिस समय आया था यहाँ सरकार में उसी समय ये सब करता तो और पब्लिक खुश रहता है, तो मैंने लल्ली पॉप भी दिया है, जनता को फिर 5 साल बरगड़ाएगा और कुछ करेगा नहीं। तो आप किसका सरकार चाहते हैं झारखंड में, किसका सरकार चाहते हैं? हम सरकार अभी हम कैंडिडेट देख के बतलाएंगे, कैंडिडेट नहीं ऊपर 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 तो मेरा मैंने होना चाहिए, जैसे केंद्र में है बीजेपी को तो यहाँ भी बीजेपी होना चाहिए, झारखंड में भी बीजेपी होना चाहिए यहाँ भी बीजेपी होना चाहिए। ठीक है, और हम जानने का प्रयास करेंगे, भैया एक भैया से हम पूछेंगे, भैया से भी राय लेंगे थोड़ा। सबसे पहले जोहार आपका। जोहार भैया। क्या नाम हुआ? रवि कुमार गुप्ता। अब धंधा पानी कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार हम लोग तो सोचे हुए हैं कि बीजेपी को कैंडिडेट यहाँ पे आया और उन्हीं को जो है हम लोग सब वोटिंग करेंगे, तो जो है रोजगार भत्ता दिया जाएगा, तो इसमें हम लोग जो है फॉर्म फिलअप किए थे, जो भी मतलब जेरोक्स वेरोक्स करवा करके जो है हम लोग फॉर्म को ऑनलाइन किए, लेकिन कोई इसका प्रभाव नहीं मिला। अब जो है ये 2 महीना हुआ है मैया योजना सम्मान योजना जो भी है लागू किया, तो इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। तो क्या 5 साल कार्यकाल हेमंत सरकार को पूरा होने का है, उसमें आप खुश है कि नाराज हैं? नहीं, इसमें तो हम लोग दुखी हैं, क्योंकि हम लोग को जो बोला गया वो तो हम लोग के साथ छल किया गया है, बेरोजगारी भत्ता बोला था, कहाँ दिया ये लोग के लिए? नहीं मिला। नहीं, कहाँ मिला? 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया,
कि बिजली बिल माफ कर दिया हेमंत सरकार ने। 200 यूनिट बिजली फ्री करने से नहीं होगा। अभी तो बिजली जो है सो माफ कर दिए हैं, लेकिन डबल तो कर दिए हैं, 700 कुछ रुपए महीना कर दिए हैं। ये गरीब आदमी को तो जान ले रहे हैं। पहले तो 300 कुछ रुपए था, अभी तो सीधे 700 कुछ रुपया हो गया महीना का, कहाँ से दे पाएगा। तो इस बार आप सरकार किसका चाहते हैं, जेएमएम के चाहते हैं क्या बीजेपी के चाहते हैं? नहीं, जेएमएम तो इस बार जाएगा। इस वक्त हम डुमरी विधानसभा क्षेत्र नावाडी प्रखंड सूरी चौक में है और यहाँ जनता से राय हम जानने का प्रयास करें। इस बार विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।